बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है जी इंग्लिश क्लासेस पर। वो स्टूडेंट जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म्स के, उन सब की वीडियोस इसी चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में कम्युनिकेशन पढ़ा था कि कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसमें सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन की। नंबर वन इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नंबर टू इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की हुई है, और वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास टू फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, या टू कैटेगरीज आप कह सकते हैं। एक होती है स्पोकन कम्युनिकेशन और दूसरी होती है रिटन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन में लिसनर एंड स्पीकर इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम लोग विद द यूज ऑफ वर्ड्स हम लोग अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास ऑथर और रीडर मौजूद होता है, कि ऑथर के माइंड में जो भी आइडियाज होते हैं वो उनको लिख देता है और रीडर उनको रीड कर उन आइडियाज को अंडरस्टैंड कर लेता है। यहाँ तक बात हमने की वर्बल कम्युनिकेशन की। आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे होते, वर्ड्स के यूज के बगैर ही हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इट मीन्स हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, आई कॉन्टेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, पैरा लैंग्वेज फीचर्स को यूज कर रहे होते हैं, हैंड्स की मूवमेंट को यूज कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, अगर आपके एमसीक्यूज में ये चीज आ भी जाती है तो वर्बल कम्युनिकेशन हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारी होती है ये अनकॉन्शियस एक्ट होते हैं हमारे, और इनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। हम लोग इस चीज से अवेयर नहीं हो रहे होते कि हम लोग बात कर रहे हो, तो बात करते दरमियान हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, हम लोग हैंड्स को मूव कर रहे होते हैं, हम लोग आई कॉन्टेक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो ये अनकॉन्शियस एक्शन होते हैं हमारे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। When a person talks about communication, he often means what he says, the words that he uses. जब communication की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो words जो हम अपने बात को convey करने के लिए use करते हैं। However, interpersonal communication is much more than the clear meaning of words that they convey. It also includes hidden messages, whether intentional or not. इंटेंशनली या इंटेंशनली हम लोग अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज कर रहे होते हैं, विच आर एक्सप्रेस थ्रू नॉन वर्बल बिहेवियर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन। हम लोग जब खुश होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर खुद से ही एक स्माइल आ जाती है। हम लोग गुस्से में होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर खुद ही बल पड़ना, माथे के ऊपर जिसे कहते हैं तेवरी चढ़ाना, तो वो खुद ब खुद ही होता है, वो अनकॉन्शियस एक्ट होता है। द टोन, जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो हम बहुत लाउडली बोल रहे होते हैं। द एंड पिच ऑफ द वॉइस, जेस्चर्स डिस्प्लेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर्स। अब ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, अपनी टोन एंड पिच की बात करेंगे, अपनी जेस्टर्स की बात करेंगे, हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करी है, हम अपने शोल्डर उचका रहे हैं, कंधे उचका रहे हैं, हम अपने सर को हेड को शेक कर रहे हैं, या क्या किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, या हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारा उनके दरमियान में किस हद तक रिलेशन है, हम उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं या हम उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, फासले पर हैं। दीज नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन गिव क्लूज एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग ओवर एंड अबव स्पोकन कम्युनिकेशन। अब ये जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ये हमारे मैसेज को मोर इफेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि हम अपने बातों के साथ साथ हमारे एक्सप्रेशन जब तक मैच नहीं होते वो बात अथेंटिक नहीं होती, वो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। Indeed, some estimates suggest that around 70 to 80% of communication is non-verbal. So 70 to 80% हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इतना इंट्रोडक्शन इनफ है हमारे लिए। इसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स को देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आएगा
डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो जब टाइप्स की बात आएगी तो आपने पहले कम्युनिकेशन का बता देना है, कम्युनिकेशन के बाद फिर आपने कम्युनिकेशन की टाइप्स बतानी है जो कि दो है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने उसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो मैंने ऊपर बयान किया है उसको लिख देना है, और उसके बाद आपने उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स की तरफ आ जाना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दे इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हैंड जेस्टर्स और नोडिंग और शेकिंग द हेड, विच आर ऑफन द इजिएस्ट एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कंट्रोल। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल आप यूं लें, समटाइम्स आप लोग कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन या अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपसे पूछता है कि आपको चाय चाहिए या पानी चाहिए, तो आप अपना जो काम कर रहे होते हैं रीडिंग वाला वो प्रोसेस जारी रखते हुए अपना सिर्फ जो हेड है ना उसे हिला देते हैं कि हाँ हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या आप हाथ से इशारा कर देते हैं हाँ या नहीं। तो ये हमारी बॉडी मूवमेंट होती है जिसके जरिए से हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। अब जब अपना सर हिलाएंगे आप तो इट्स मीन कि आपको चाहिए, अगर आप नेगेटिव में सर हिलाएंगे तो इट्स मीन आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स को यूज करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेकेंड टाइप है हमारी पोस्चर। पोस्चर और हाउ यू स्टैंड और सिट। पोस्चर मीन्स कि आप लोग कैसे खड़े हैं या आप लोग कैसे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, तो आप लोगों के खड़े होने का स्टाइल जो है वो ये बताता है कि आप किस हद तक या कितने कॉम्पिटेंट प्रेजेंटर हैं। वेदर योर आर्म्स आर क्रॉस एंड सो ऑन, आपने अपने हाथों को क्रॉस किया हुआ है, अपने बाजुओं को क्रॉस किया हुआ है, या आपने अपने बाजुओं को स्ट्रेट छोड़ा हुआ है, या आपने अपने बाजुओं को स्ट्रेट छोड़ा हुआ है, तो आप अपने कम्युनिकेशन करते वक्त बाजुओं को हाथों को किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपके पोस्चर में आ जाता है। थर्ड वन इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी कंपल्सरी एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक आप अपना आई कॉन्टैक्ट यूज नहीं करते तो आपका जो लिसनर होता है वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देता और आपको खुद भी नहीं ये चीज जज कर सकते कि जो आप बात कह रहे हैं या जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपका रिसीवर अच्छे तरीके से समझ रहा है या नहीं। तो आई कॉन्टैक्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेयर द अमाउंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट often determines the level of trust and trustworthiness। कि जब तक आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा आई कॉन्टैक्ट के जरिए से आप अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, उनकी अटेंशन को गेन नहीं करेंगे तब तक आप अपना मैसेज एक वेल ऑर्गेनाइज वे में डिलीवर नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एस्पेक्ट आ रहा है या टाइप आ रही है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज और एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अपार्ट फ्रॉम स्पीच सच एज स्पीच टोन एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग। अब ये जो आपके पैरा लैंग्वेज फीचर्स हैं ये बताएंगे कि जब आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, या आप किस स्पीड से बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग गुस्से में होते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा लाउडली या चीख वाली आवाज से बोलते हैं तो वो आपके एंगर को शो कर रही होती है, लेकिन अगर आप हैप्पी मूड में होते हैं तो आप बहुत पोलाइट वे में स्माइलिंग फेस के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी हैप्पीनेस को शो कर रही होती है। तो ये चीजें जो हैं ये भी आपके मीनिंग्स को इनहांस करने में हेल्पफुल होती हैं कि आप टोन कैसे यूज कर रहे हैं, पिच कैसे यूज कर रहे हैं और आपकी बोलने की स्पीड कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोजनेस और पर्सनल स्पेस, विच डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड विच वेरीज वेरी मच बाय कल्चर। अब देखें क्लोजनेस और पर्सनल स्पेस का मतलब ये है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, जो आपका लिसनर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं, आप बहुत सोच समझ के अल्फाजों को यूज कर रहे होते हैं, आप बहुत गिने चुने अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में एक पोलाइट से टोन में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप लोग इन चीजों की तरफ कुछ ज्यादा अटेंशन गेन नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते, क्योंकि वहां पर आप उनसे ज्यादा क्लोज होते हैं, उनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो वहां पर ये चीजें इतनी ज्यादा आप फोकस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि समटाइम्स हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते, ना अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती, जस्ट हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमें चीजों को जज कर लेते हैं, सामने वाले पर्सन के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उसके बाद किस तक समझ आई है या नहीं आई उसको जज कर लेते हैं।
फेशियल एक्सप्रेशन इंक्लूड स्माइलिंग, फॉर्निंग एंड ब्लिंकिंग. अब फेशियल एक्सप्रेशन में क्या है कि आप किसी से मिलते हैं तो एक स्माइलिंग वे में, एक स्माइल आपके फेस पर होती है, इस तरह से मिलते हैं तो लोग कहते हैं आप बहुत ही खुशी खिलाते. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हर वक्त वो उनके फेस से हमें यूं शो हो रहता है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो हम लोग उनसे बात करने से हेजिटेशन फील करते हैं कि हम इनसे बात करेंगे पता नहीं है हमें क्या रिस्पॉन्स दें. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी की कहीं ना कहीं अक्कासी कर रही होती है, विच आर वेरी हार्ड टू कंट्रोल कॉन्शियसली. अब ये जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप ना इनको कंट्रोल कर सकते हैं और ना कॉन्शियसली आप कर रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियसली होते हैं. अब देखिए हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम उनसे सलाम लेते हैं, अगर हम या तो हम स्माइलिंग वे में सलाम लेते हैं, मुस्कुराते हुए उनको वेलकम करते हैं, या जस्ट हम अस्सलाम वालेकुम कह के और अपना काम शुरू कर देते हैं. तो यहाँ से जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता रहे होंगे कि आपका मैसेज कैसे आप कन्वे कर रहे हैं. अगर आप किसी के आने पर खुशी हुई है तो जाहिर है आप स्माइलिंग वे में उनको वेलकम करेंगे, अगर खुशी नहीं हुई तो आप उनको बस फॉर्मेलिटी पूरी करके सलाम कहकर आप लोग बैठ जाएंगे. तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये आपके अनकॉन्शियस एक्ट होते हैं और इनको आप कंट्रोल नहीं करते. इंटरेस्टिंगली द ब्रॉड फेशियल एक्सप्रेशन दैट शो स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज फेयर, एंगर एंड हैप्पीनेस आर द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड ये जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, अगर कोई बंदा हैप्पी है तो पूरी दुनिया में कोई भी हैप्पी है तो वो स्माइल पास करेगा, ये आपके यूनिवर्सल एक्सप्रेशन हैं. अगर कोई बंदा दुखी है या कोई गुस्से में है तो उसका फेस एक्सप्रेशन वैसा ही होगा. अब ये नहीं कि अंग्रेज जो है वो दुखी बात जो है वो हंसते हुए करता है या अंग्रेज जो है वो खुशी वाली बात रोते हुए करता, नहीं. कोई भी आप कंट्री के किसी भी खित्ते में चले जाएं या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाएं तो खुशी का इजहार आप स्माइल से करेंगे, गुस्से का इजहार आप एंगर से करेंगे, फेयर का इजहार आप स्वेटिंग से, या आपका फेस बता रहा हो कि आप किस चीज से खौफजदा है. तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, पूरी दुनिया में सेम होते हैं. लास्ट वन हमारी टाइप है साइकोलॉजिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल यू मे स्वेट और ब्लिंक मोर वेन यू आर नर्वस एंड योर हार्ट बीट इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज. अब यहाँ पर जब आप नर्वस होते हैं तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में शो हो रहे होते हैं, या तो आपको स्वेटिंग हो रही होती है, ब्लिंकिंग बार बार अपनी आंखों को झपक रहे होते हैं, आपका जो दिल है वो तेज से धड़क रहा होता है और आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते. आप लोगों को कहा जाए कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो जब आप लोग अब सामने आते हैं अपनी क्लास के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, तो आप लोगों को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे आपकी नर्वसनेस हमें शो हो रही होती है, आप लोगों की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और आप कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी ये प्रेजेंटेशन हो जाए और मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊँ. तो ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं ये अनकॉन्शियसली हो रही होती है, आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता. आप स्वेटिंग को रोक नहीं सकते, ठीक है, आप दिल की हार्ट बीट जो आपकी तेज हो रही होती है आप उसको रोक नहीं सकते. दीज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल कॉन्शियसली एंड आर देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मेंटल स्टेट. इसके जरिए से आपके मेंटल स्टेट का पता चल रहा होता है और आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. इन द एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स येट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउएवर People are often totally unaware of their non-verbal behavior. हम लोग अपने non-verbal behavior के बारे में बिल्कुल unaware होते हैं. अब आप लोग कोई चीज कोई बात बता रहे हो किसी को तो जो आप बात बता रहे हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप सोच समझ के यूज कर रहे होते हैं, आप कॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उस बात को करते वक्त आपकी आईज की मूवमेंट हो रही होती है, आपके हैंड्स की मूवमेंट हो रही होती है, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, आपके फेस पर स्माइल आ रही है, आप गुस्से वाला एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. तो ये बाकी जितने भी नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स होते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये आपकी अंदर से खुद ब खुद इंटरनली आ रही होती है, ये आपका बिहेवियर डिवेल्प हुआ होता है. इसके ऊपर आप ना तो कॉन्शियसली ये एक्ट कर रहे होते हैं और ना ही आपका इसके ऊपर कंट्रोल होता है. सो आज तक का हमारा लेसन यही तक था. अगर आप लोगों को कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें, और अपने क्लास फेलोज के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा. इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.